ओडिशा में भीषण ट्रिपल ट्रेन अकस्मात में 280 लोग 900 लोग घायल थे। हावड़ा एक्सप्रेस पहला मालगाड़ी ने त्यारबाद कोरोमंडल एक्सप्रेस साथ अथड़ाई थी। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ओडिशा बालासोर में पहुंचा। पीएमए घटनास्थले पहुंची ट्रेन दुर्घटना की मुलाकात लीधी। रेलवे मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन नंबर जाहिर करवामां आव्यो। घटनास्थल पर 100 थी डॉक्टर की टीम उपस्थित। ओडिशा बालासोर बहगाना स्टेन पास पहला बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने मालगाड़ी साथ टक्कर थी। त्यारबाद मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस साथ टकराई। ट्रेन की टक्कर एटली जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पाटा पर उतरी गई। 7 डब्बा ऊंधा पड़ गया। 4 डब्बा रेल बाउंड्री की बाहर निकली गया। कुल 15 डब्बा पाटा पर उतरी गया होवानी माहिती। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवे ओडिशा ट्रेन अकस्मात में मृतकों परिवार ने 10 लाख की सहाय, गंभीर रीते घायलों ने 2 लाख की सहाय अपने जाहरात की। सामान्य इजा पहुंची हो 50,000 की सहाय की जाहरात। बोगियों में हजू पण अनेक लोग फसाया होवानी आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन यथावत स्थानिक तंत्र रेलवे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लागी। आर्मी पण रेस्क्यू ऑपरेशन में जोड़ाई और एरफोर्स हेलिकॉप्टर पण दुर्घटना स्थले पहुंचू। 700 वधु कर्मचारियों की टीम कामे लागी। ओडिशा बालासोर ट्रेन दुर्घटना पगले वडाप्रधान मोदी उच्चस्तरीय बैठक बोलावी। बैठक में अमित शाह हाजर रहा। दुर्घटना बाद बचाव कार्य हाल की स्थिति पर चर्चा करवामां आवी। एनडीआरएफ वड़ा पण बैठक में हाजर रहा। समग्र दुर्घटना अंगे पीएम मोदी माहिती मेळवी। ओडिशा बालासोर में भीषण ट्रेन अकस्मात रेलवे मंत्री आप्या उच्चस्तरीय तपासना आदेश। रेलमंत्री कहूं दुर्घटना कारणों जाणवा जरूरी। ओडिशा बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर जापान पीएम फुमियो किशिदा और यूक्रेन राष्ट्रपति वलदिमीर ज़ेलेंस्की शोक व्यक्त कर। जापान पीएमए कहूं कि जापान सरकार वती हूँ जीव गुमावना लोगों और शोकग्रस्त परिवारों प्रत्ये हृदयपूर्वक संवेदना व्यक्त करने मांगू छू। यूक्रेन राष्ट्रपति कहूं कि हूँ ट्रेन दुर्घटना में मारा गये तमाम मृतकों परिवारजनों प्रत्ये मारी ऊँडी संवेदना व्यक्त करूँ छू। तमाम इजाग्रस्तों ने झड़प थी स्वस्थ थवानी कामना करूँ छू। गृहमंत्री अमित शाह रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त कर। अमित शाह कहूं कि मृतकों परिवार साथ मारी संवेदना। इजाग्रस्तों झड़प थी स्वस्थ थाय तेवी प्रार्थना। रेल दुर्घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पण व्यक्त कर शोक। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवनी बचाव कार्य पर सतत नजर। दुर्घटना में पीड़ितों ने आर्थिक सहाय अश्विनी वैष्णवे ट्वीट कर जानकारी आपी। ओडिशा रेल दुर्घटना पर पीएम मोदी शोक व्यक्त कर। रेल दुर्घटना मृतकों ने श्रद्धांजलि आपी। पीएम मोदी कहूं मृतकों परिवार साथ मारी संवेदना। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साथ सतत संपर्क में। ओडिशा में बनेली भीषण ट्रिपल ट्रेन अकस्मात ने लईने केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बहानागा स्टेशन पास अकस्मात स्थले पहुंचा था। केन्द्रीय मंत्री रेलवे अधिकारी साथ मुलाकात कर परिस्थिति ताग मेळव्यो हतो। ओडिशा दुर्घटना में मृतकों ने मुरारी बापूए श्रद्धांजलि पाठवी। मुरारी बापूए 50 लाख की सहाय की जाहरात कर। मृतकों परिवारजनों प्रत्ये मुरारी बापूए संवेदना व्यक्त की। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना ने लईने यूपी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती शोक व्यक्त कर। सलमान खाने पर दुख व्यक्त कर। तो बालासोर ट्रेन दुर्घटना ने लेने तमिलनाडु सरकारे हेल्पलाइन नंबर जाहिर कर। हेल्पलाइन नंबर पर दुर्घटना में घायल और मृतकों की माहिती आप। ओडिशा में भयानक ट्रेन अकस्मात की दुर्घटना ने लेने बीजेपीए आज तमाम कार्यक्रमों रद्द कराया। जनसंपर्क अभियान हेठ पार्टी तमाम कार्यक्रमों रद्द कराया। बालासोर ट्रेन दुर्घटना पाछळ सिग्नल सिस्टम जवाबदार। ट्रेन अकस्मात की तपास में खुलासो थयो। सिग्नल सिस्टम फेल थता सर्जायो अकस्मात। सिग्नल जोई कोरोमंडल खोटा पाटे चढ़ी। सिग्नल ना कारणे कोरोमंडल मालगाड़ी साथे अथड़ाई हती। जामनगर में बाड़की बोरवेल में फसाई। तमासण गाम में 2 वर्षनी बाड़की 20-30 फूट ऊंडा बोरवेल में फसाई। घटना ना पगले गामना स्थानिक अग्रणीओ घटनास्थले पहोंच्या। फायर विभाग की टीमें बचाव कामगीरी शुरू करी। बोरवेल में फसायेल बाड़की ने बचावा आर्मी जवानों रेस्क्यू शुरू कर्यु।
आधुनिक साधनों द्वारा बाड़क नु रेस्क्यू ऑपरेशन बोरनी बाजू में खाड़ो खोदी रेस्क्यू कामगिरी शुरू कर बाढ़ में बाबाजोड़ा की आगाही ने लेने तंत्र एक्शन में बाबाजोड़ा की आगाही कारण पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में मोटा वृक्ष की डाड़ियों कापवा काम शुरू करायु जरूरी तकेदारी राखवा सहित कामगिरी हाथ धरवामां आवी। वलसाड जिल्लाना केटलाक विस्तारों में वातावरण में पलटो वहेली सवारथी वातावरण में पलटो आता वापी तेमज आजूबाजू विस्तारों में वरसाद पड़ो वरसादना कारणे ठंडक प्रसरी। वावाजोड़ा अंगे हवामान विभागे आगाही करी हाल साइक्लोनिक सर्क्युलेशन बनी रह्यू छे आगामी दिवसों में वावाजोड़ा की संभावना। जूनना मध्यम में गुजरात में चौमासु बेसवानी संभावना हवामान विभाग मुजब चौमासु हाल श्रीलंका तरफ पहुंच्यू आवनारा समय में चौमासु केरल पहुंची जशे केरल में चौमासा बाद गुजरात नो अनुमान। आगामी पांच दिवस वातावरण सूकू रहेशे आवतीकालथी बे दिवस अमदावाद में येलो एलर्ट अमदावाद में बे दिवस वरसाद की कोई संभावना नहीं तापमान पारो 41 डिग्री ने पार। अरबी समुद्र में 7 जूने सर्क्युलेशन बनवानी संभावना दक्षिण सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात में वरसी शके छे वरसाद 7 जून थी 11 जून वच्चे भारे वरसाद नी आगाही। बनासकांठाना मलाणा गामे वरसादथी ताराजी मलाणा गामे अनेक जग्याए वीजपुल धराशायी थया खेडूतो 6 दिवसथी वीज पुरवठा विहोणा बन्या वीजळी न मळता बाजरी सहितना पाकने नुकसान। एएमसीना विपक्ष नेता शहजाद खान पठाणना आक्षेप कहूं गुरुकुल रोड पर प्रथम व्हाइट टॉपिंग रोड तोड़वो पड़ो एक महीनाथी गटर उभराता व्हाइट टॉपिंग रोड तोड़ायो रोड बनतो हतो त्यारे गटर उभरावानी समस्या सर्जाई गटर उभराता 6.70 करोड़ना खर्चे तैयार रोड तोड़ावो पड़ो। एएमसीना विपक्षना नेता शहजाद खान पठाणे कहूं इंदौर की एजेंसी ने फायदो करावा प्रोजेक्ट लवायो मनपा विपक्ष नेताए करी स्थल की मुलाकात। भगवान जगन्नाथ की जड़यात्रा की तैयारी पूरजोश में जमालपुर की साबरमती नदी सुधी योजा जड़यात्रा 108 कलश ध्वजा पताका 3 बड़द गाड़ा में जल भरी मोटी संख्या में भक्तों ने भजन मंडली जड़यात्रा में जोड़े। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी जड़यात्रा में उपस्थित रहते मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हाजर रही शे साबरमती रिवरफ्रंट पर तैयारी ने आखिरी ओप अपना।